खबरें हैं और बात जोजिला पास की भी जरा करते हैं, क्योंकि एक हादसा हुआ है और अच्छी खबर अगर कुछ है तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ ये इतला, लेकिन माली तौर आप देखेंगे तो नुकसान काफी ज्यादा हुआ जोजिला, जहां पर भारी भरकम जो बर्फानी तोदा था वो गिरा, आसपास बर्फ है, बीच में से कटाव किया गया है, गाड़ियां गुजरती है और बर्फानी तोदे की जद में जहां पर देर शाम 6 मालबरदार ट्रक आ गए, बड़ी गाड़ियां थी और करगिल वाली साइड से जो कि यानी लद्दाख वाला हिस्सा है उस तरफ से यह हादसा पेश आया और महकमा आफात समावी की तरफ से जो 4 अजला में बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग अब जारी की गई है, ये सारी पिछली जो सूरत हाल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए किया गया। लेकिन जोजिला के मकाम पर ये वाकया जो पेश आया इसमें 6 ड्राइवर्स और उनके जो साथी या को ड्राइवर्स या कंडक्टर्स कह लीजिए या हेल्पर्स, उनको बचाया गया और करगिल पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई इस इलाके के अंदर की गई। बिल्कुल, कम से कम 5 गाड़ियों के ड्राइवरों और मुसाफिरों समेत, इत्तला के मुताबिक 6 गाड़ियों के ड्राइवरों समेत 6 अफराद जो है इस वक्त मौजाना तौर पर बच गए, जबकि इस बार की दोपहर श्रीनगर के इशारा पर जोजिला पास पर भारी बर्फानी तोड़ी की जद में आ गई और इत्तला के मुताबिक इस ये जो गाड़ियां थी इनमें से 4 ट्रक और एक प्राइवेट गाड़ी जोजिला पास पर 6 गाड़ियां और 6 लोगों को बचाया गया, लेकिन गाड़ियां जो हैं वो तबाह हो चुकी है। जोजिला की तस्वीरें जरा बता दीजिएगा जिस इलाके के अंदर ये वाकया पेश आया, इंतजामिया की जानिब से जो इस इलाके के अंदर यानी चूंकि रसाई इस इलाके के अंदर नहीं है, आसान नहीं है, बर्फानी दोनों तरफ से बर्फ थी तो बीच वाला जो हिस्सा काटा गया है उस हिस्से से जब गाड़ियां गुजर रही थी तो अचानक एक हिस्सा उसमें से खिसका है इस इलाके के अंदर और यानी 5 से 6 लोग निस्सर्जन के करीब जो लोग हैं उनकी जान बच गई है, जिसके लिए इन तमाम लोगों ने शुक्रिया भी पुलिस का अदा जरूर किया। लेकिन इस इलाके के अंदर महकमा मौसमियात ने जो पेशेंगोइयां की थी, हवाएं चल रही थी उसी दौरान, ये बाद दोपहर का सारा ये मंजर तस्वीरें आपके सामने जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स कल से हम लगातार आपको बता रहे थे कि इस इलाके के अंदर और इतना भारी भरकम ये बर्फानी तोदा था कि गाड़ियां 5 से 6 गाड़ियां जो थी बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जो जमीन के नीचे दफन हो गई हैं। इस भारी भरकम बर्फानी तोदे की जद में 6 गाड़ियां जो आई हैं, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के ऊपर मिनीमर्ग का ये एरिया है, मिनीमर्ग का एरिया और तफसीलात जो बाद में हमारे नुमाइंदे के जरिए हमें मिली, तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां जो इसकी जद में आई थी और उसके बाद 6 की इसकी तस्दीक भी हुई। फौरी तौर पर कुछ इंतजामिया की जानिब से जो मदद ली गई वो पुलिस इंतजामिया की ली गई और एवलॉन्च हिट जो एरिया था यानी ये जहां पर आपके आप तस्वीरें देख रहे हैं इस इलाके के अंदर मशीनरी के साथ और लोगों के साथ यहां पर पहुंचे, कार्रवाई शुरू की गई और तकरीबन जो 5 से 6 ड्राइवर्स थे उनको भी बाहर निकाला गया, बचा लिया गया। और दूसरी बड़ी बात कि ये जो 5-6 गाड़ियां थी उनको नुकसान काफी ज्यादा पहुंचा और हमारी जानकारी के मुताबिक ये सारी ये जो गाड़ियां थी इनमें 4 ट्रक और एक प्राइवेट गाड़ी जोजिला पास पर शैतानी नाला के करीब बर्फानी तोदे के जद में आ गई। तहम इन गाड़ियों के तमाम मुसाफिर और ड्राइवर जो है वो महफूज तरीके से निकाले गए, गाड़ियों में सवार तमाम 6 ड्राइवरों और मुसाफिरों को बीकन और मुकामी पुलिस ने बचाया, कुछ ड्राइवरों को मामूली चोटें आई हैं तहम उन्हें इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर किया गया। दोपहर 12 बजे ये वाकया पेश आया था, शैतानी नाला मिनीमर्ग द्रास के मुकाम पर सुनमर्ग से करगिल की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही थी और मालूम हुआ कि शैतानी नाला और जोजिला के कई मकाम पर अभी भी 40 से 50 फुट बर्फ के पहाड़ अभी भी मौजूद है। सपहर बाद गाड़ियों को बाहर निकालने की कार्रवाई उस वक्त रोक दी गई जब जोजिला पर हल्की बर्फबारी शुरू हुई, तहम सड़क को साफ करने के लिए मशीनरी